हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार महोदय, जैसा मैंने आपके सामने कहा कि अणु शक्ति को बढ़ावा देना, इसके बदले में बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है, और वह नासमझी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज हमसे यह बार बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर जो खतरा है वह खतरा कम हो जाएगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में यह साहस शायद पिछले एक महीने तक नहीं था, आज यह साहस आ गया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा नहीं था, और अगर खतरा था तो पोखरण के बम से कम नहीं हो गया है। वह खतरा अपनी जगह पर है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणु बम हैं? अमेरिका 12 वर्षों तक वियतनाम से लड़ता रहा। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रहीं। अमेरिका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया? उसके पास दुनिया में दूसरे नंबर का अणु बम है। वह देश टूट गया, बिखर गया। उसके 4-5 राज्यों में आज भी अणु बम हैं। अणुबम से सुरक्षा नहीं बढ़ती। अणुबम की बात करके सुरक्षा पर खतरा बंद करके आपने देश के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया है। देश के लोगों के सामने आपने अपना बाहुबल उजवाने के लिए एक काल्पनिक खतरा पैदा किया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति में यह भी कहा गया कि हमने इतिहास पर यह हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत मत कीजिए। यह खतरनाक खेल है, क्योंकि इतिहास एक बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। इतिहास को ये 2 दिन में नहीं लिया जाता। लोगों की प्रशस्ति गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता। मैं जानता हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक और दुनिया के लोगों ने अणुबम के सहारे सुरक्षा की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। शायद आपको यह मालूम नहीं, आप बहुत नोट बनाकर ले आए थे। आज दुनिया यह भी मानती है कि हिरोशिमा में बम गिराने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पहले जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार था। आज अमेरिका के लोग भी यह कहते हैं कि वह बम नहीं गिरता तब भी लड़ाई का वही फल होता जो जापान में हुआ था। श्रीमान, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता
जिनको माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता पिछली 10 वर्षों में हमारे देश के चीन से रिश्ते अच्छे बने, पाकिस्तान के साथ हमने संबंध सुधारने का प्रयास किया। हमारे मित्र आज बहुत दुखी होंगे क्योंकि उनकी कूटनीति पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तभी उनसे कहा था, यह नीति मत बनाइए, यह बहुत दिन चलने वाली नहीं है। अटल जी, मैं आज आपको भी कहता हूँ कि पुरुषार्थ का यह पीटना देश के लिए खतरनाक होगा। यह आपके लिए कोई लाभदायक नहीं होने वाला है क्योंकि यह एक खतरनाक खेल है। दुनिया में अगर यह होड़ लग गई और यह होड़ इस उपमहाद्वीप में लग गई जैसा कि दिखाई पड़ता है, तो पता नहीं इस उपमहाद्वीप का क्या होने वाला है। अभी मैंने सुना कि दुनिया के इतिहास में अपना एक रोल अदा करेंगे। हम किसी से डरते नहीं, हमने अपना स्थान बना लिया। किसके सामने आप यह बातें कह रहे हैं? आज सारी दुनिया हमारे बारे में जानती है। लाखों करोड़ों डॉलर का कर्जा लेकर आज हम दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक नए संकल्प के साथ चल रहे हैं। अणुबम से कोई फ़ायदा हो या न हो, जिस दिन से आपने इस अणुबम को फोड़ा है, रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में विदेशों में 2 रुपये कम हो गई है। यह कर्जा देश के गरीब लोगों के पॉकेट से आएगा। कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं जानता हमारे मित्र के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अनुबम की सराहना करते करते वह कहीं और सोच रहे होंगे कि बजट को कैसे संतुष्ट व कैसे सम्मिलित बनाएं। यह एक अलग समस्या है। यह समस्या सुरक्षा की नहीं है। अगर आज यह सुरक्षा की समस्या होती तो हम इस देश के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश करते। हमारे सामने वह एक उदाहरण था। दुनिया के लोगों ने कहा कि अणुबम अवरोधक हो या नहीं हो, वियतनाम के लोगों का मनोबल अवरोधक था। क्या उसकी ओर भी कभी ध्यान दिया है? क्या भारत की जनता में भूखे प्यासे लोगों की ओर भी आपकी निगाह जाती है? इस सदन में बैठ करके हम इस बात के लिए श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारा भी उसमें सहयोग था। हमने भी अणुबम बनाने में साथ दिया था। स्टॉप।